शबे बरात में यानी शाबान की 15वीं रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मखलूकात की मगफिरत का ऐलान फरमाते हैं सिवाय चंद बदनसीब लोगों के, और वो बदनसीब अशखा ये हैं: नंबर एक, मुशरिक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता हो; नंबर दो, जानी जिना करने वाला; नंबर तीन, कातिल जो नाहक कत्ल करता हो; नंबर चार, शराबी जो शराब पीने का आदी हो जबकि इस्लाम के अंदर शराब हराम है; नंबर पाँच, मुतकब्बिर जो तकब्बुर करता हो, हक बात को अपनी अनानियत की वजह से ना मानता हो; नंबर छः, वालिदैन का नाफरमान यानी कि वालिदैन का नाफरमान भी इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है; नंबर सात, दिल में बुग्ज रखने वाला यानी कि वो इंसान जो अपने दिल में किसी दूसरे मुसलमान के लिए बुरा सोचता हो; नंबर आठ, क़ता रहमी करने वाला यानी कि रिश्तों को जोड़ने के बजाय तोड़ता हो। अगर किसी के अंदर ये बुराइयां हैं तो शबे बरात में भी उसकी मगफिरत नहीं है उस वक्त तक जब तक वो अपने गुनाहों से तोबा ना कर ले। अगर किसी के अंदर ये कमी है तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तोबा इस्तगफार करे, उसके बाद शबे बरात में अपनी मगफिरत के लिए दुआ करे।